नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम रेस्पिक्योर एलएस जूनियर सिरप के यूजेस, बेनिफिट्स, कंपोजिशन, डोसेज और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों कोरोना फार्मा कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। बात करें इसके प्राइस और पैकिंग की, तो 60 ml के पैकिंग में 95 रुपयों में आपको ये सभी मेडिकल्स में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें एम्ब्रोक्सोल 15 mg, लेवोसोल्बिट्रामोल 0.5 mg और ग्रैमफेंसिन 50 mg की मात्रा में होते हैं। बात करें इसके यूजेस की, तो बच्चों के बलगम वाली खांसी को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाक, श्वास नलिका और फेफड़ों में जमे हुए म्यूकस यानी बलगम को ये पतला करती है, जिससे इसे आसानी से बाहर निकाल कर फेंक सके। ये एलर्जी के लक्षणों को जैसे नाक बहना, बार बार छींकी आना, आंखों से पानी आना जैसे लक्षणों को ठीक करती है। छाती में बलगम की वजह से व्हीजिंग यानी सीटी बजाने जैसी आवाज़ आना, सांस लेने में दिक्कत होना जैसे लक्षणों को भी ये ठीक करती है। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से होने वाली खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में होने वाली बलगम वाली खांसी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोसेज की, तो बच्चे के एज और वेट के हिसाब से इसका डोसेज अलग अलग होता है, लेकिन एक सामान्य डोसेज की बात करें तो 5 ml दवा दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह से आप दे सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो मिचली, उल्टी, दस्त, पेट खराब होना, चक्कर आना, सिरदर्द होना जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन की जानकारी के साथ। धन्यवाद।